अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओज ब्यूटी पार्लर विच इज़ लोकेटेड इन औरंगी टाउन कराची। सो आप लोग ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी ब्राइट सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप है हमारे ओज ब्यूटी पार्लर का। और आज जो आप लोग से शेयर किया जाएगा फुल ब्राइडल हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डोंट स्किप एंड लाइक सब्सक्राइब। मोस्ट मोस्ट ब्राइडल की यही डिमांड होती है कि काशी की जो लेयरिंग वाली पफ है इस टाइप के उनको लुक क्रिएट करना होता है। बाकी डिपेंड करते हैं कि ब्राइड की ज्वेलरी किस टाइप की है, उनको लुक किस टाइप का पसंद है, वो किस टाइप का चाह रही हैं। कुछ ब्राइड फ्लैट चाहती हैं, कुछ यानी कि लेयरिंग वाली पफ चाहती हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी डिपेंड करती है आपकी ज्वेलरी पे, आपके फेस पे, आपके फेस स्ट्रक्चर किस टाइप का है, क्या सूट करेगा। ओके जी, यहाँ पे टीका जो लगा लिया, नॉर्मल कैजुअल ही टीका लगा लिया क्योंकि यहाँ पे बैक कॉमिंग जो हुई हुई है इस पर हमें सेट करना है दुबट्टा, तो हाइट हो जाएगी ये सारी चीज़ें। और जो बैक कॉमिंग की है इसके अंदर हमने डोनट का स्टफ़ ऐड किया है, ठीक है। ये स्टफ आपने थोड़ा सा हार्ड रखना है क्योंकि यहाँ पे दुबट्टा सेटिंग करनी होती है। और देन फ्रंट के जो पार्ट है हमें ज़्यादा एयर टू एयर पार्टीशन हमें छोड़ना है। मुझे सही से हेयर स्टाइलिंग की इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप वीडियो जो है आप काइंडली वीडियो रियल ब्राइट की जो वीडियो है वो आप लोग शेयर करें। सो साइड पार्टीशन हमने सेक्शन निकाल लिए हैं जहाँ से आपके झूमर ऐड होगा और आपके यानी कि लेयरिंग वाली पफ होगी। फ्रंट सेक्शन को हमने पार्टीशन को अलग करके सेक्शन क्लिप लगा लिए और बैक के जो पार्ट हैं इसे हम यहाँ पे ट्विस्ट क्रिएट करेंगे। ट्विस्ट जो होगा वो उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। सबसे पहले आपने थोड़ी लाइट क्वांटिटी में उठा के इसे लाइट से बैक कॉम करके, बैक कॉमिंग करने के बाद आप स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपको नीड है। अगर आपको लगता है ये होल्ड हो जाएगा तो आप स्प्रे नहीं करें। और यहाँ पे नॉर्मल कैजुअली जो ट्विस्ट बनाई जाती है उस तरह आपने नॉर्मली बनानी है, लेकिन याद रखना है कि थोड़ा सा वॉल्यूमाइज रखना है अपने हैंड को, किस तरह होल्ड रखना है, कितने डिग्री पे आपने अपने हैंड को किस डिग्री पे रखना है और किस तरह आपको हेयर्स को होल्ड करना है। हेयर स्टाइलिंग जो है देखने में थोड़ा इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। ट्विस्ट जो है आपने फ्रंट के पार्ट को थोड़ा सा वॉल्यूमाइज रखना है और सबसे पहले ब्राइट की जो हेयर है उसे यानी कि आप क्रीम पर करके इसे वॉल्यूम दे दें क्योंकि विदाउट टेक्सचर विदाउट क्रीम पर वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से वॉल्यूमाइज और इस तरह के किसी के हेयर्स भी नहीं होते जितने बहुत अच्छे वॉल्यूम हो। और फर्स्टली ये कि कैरी भी नहीं किया जाता है, तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट को आप देखेंगे जितनी भी हेयर स्टाइलिंग होती है ब्राइट पर टेक्स्चर ज़रूर होता है, मतलब क्रीम पर ज़रूर होती है और इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। भले किसी में लाइट किसी में ज़्यादा जिस तरह की हेयर स्टाइलिंग ब्राइट को नीड होती है जिस तरह वो करवाना चाहती है। यहाँ पे ट्विस्ट आपने किया और इस पार्ट को साइड में आपने थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पे पिनअप कर देना है, वो इसलिए क्योंकि फ्रंट के आप बैक कॉमिंग लेयरिंग वाली बैक कॉमिंग पफ करेंगे पफ करेंगे तो वो आपकी बैक साइड पर आ जाएगी। और यहाँ पे आपने नीड करना है स्प्रे करके इसे लाइन को डिफाइन कर लेनी है ताकि ये आपकी फिनिशिंग लुक नज़र आए। जितनी भी बेबी हेयर्स हैं आप स्प्रे करके उसे सेटल डाउन कर दें, उसे नीड कर दें, उसे नीड एंड क्लीन पेस्ट कर दें दूसरे बड़े हेयर्स में ताकि वो मतलब एक फ्लफी फ्लफी मैसी मैसी लुक नहीं लगे। और यहाँ पर आपने जस्ट मिरर पर देखना है कि इन पर साइड बैक कॉमिंग किस तरह सूट करेगा नहीं करेगा, आपने गाइड लेनी है। ओके, सेंटर के जो फ्रंट के जो पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने। आप देखें टीका जो किस तरह लगा हुआ है, कहाँ से आपने सेक्शन लिया है, ठीक है। और बैक कॉमिंग जो है आप बैक पे रूट पे करना है और फ्रंट से आप साथ साथ नीड करते रहें। नीड करने के बाद आपने स्प्रे करना है होल्ड करने के लिए जहाँ पे आपने रूट बैक कॉमिंग की है और फ्रंट पे। स्प्रे करने के बाद देन आपने एक मोटी कॉम लेना है, मोटी कॉम से आप इसे नीड करें। पहले तो आप टेल कॉम से नीड करें, टेल कॉम से नीड करने के बाद आप एक लार्ज मोटी कॉम ले लें, ये नॉर्मल कैजुअली मार्केट में आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे दिस वन। ओके, ये जो मोटी कॉम आप लेंगे इसे आपको थोड़ा सा गाइडलाइन लाइन मिल जाएगी, गाइडलाइन ड्रॉ मिल जाएगा कि आपने लेयरिंग पफ जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लेयरिंग पफ आपकी बहुत अच्छे से क्रिएट हो। इनके हेयर्स फ्रंट से शॉर्ट हैं और शॉर्ट हेयर्स को मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट पे जितनी शॉर्ट होती है उसे कैरी करना थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जिसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो। ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। बाय द वे इनकी नॉर्मल
कटिंग थी फ्रंट से तो बहुत अच्छी ले मतलब बहुत अच्छे सेट हो गया है। अगर जिसकी हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं उसे कैरी करना बहुत मुश्किल मुझे ऐसा लगता है चैलेंजिंग हो जाता है एक उसको टास्क पूरा करना कि बहुत अच्छी बैक कॉम्बिंग अच्छी हो और आपकी पफ अच्छी हो। यहाँ पे जस्ट आपने पफ पे फोकस करना है, आपने लेयरिंग अभी नहीं डालनी हो और आपने स्मॉल जो नॉर्मल पिन होते हैं आप उसे यहाँ पे स्ट्रक कर दें। स्ट्रक करने के बाद लोअर साइड के जो पार्ट हैं लोअर साइड के जो हेयर पार्ट है आप इसे आप राउंड साइड पे लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे लेयरिंग एक हैंड से नॉर्मल हैंड से आप लेयरिंग पहले एक ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपको लगता है कि लाइनिंग और लेयरिंग बहुत अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है, इसके बाद आप एंड में फिनिशिंग लुक के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले मोटीकॉम से आपको गाइडलाइन लाइन मिल गई, इसके बाद आप अपने हैंड से हैंड के थ्रू लेयरिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप लेयरिंग अभी अप्लाई कर लें या बाद में कर लें, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो देन आप ये वाला पार्ट को आपने लाइट से बैक कॉम्बिंग करनी है अपर साइड पे, अपर साइड से बैक कॉम्बिंग करने के बाद नीट करना है लोअर साइड से कॉम से, कॉम के टेल से इसे फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, साइड जो पफ है इसे हमें थोड़ी सी वॉल्यूम रखना होता है और सिंपल एयर को जो है मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइट की एयर को हाइड रखना चाहिए क्योंकि उसमें लुक आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैट कर देंगे एयर उनके हाइट नहीं रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइट पे लुक अच्छी नहीं आती है। यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करके आपने यहाँ छोड़ना नहीं है, इनके हेयर्स को पूरा कवर करना है और बारात की ब्राइड जो होती है मोस्टली यही चाहती हैं कि वो थोड़े से ईजिली फील करें, बैक जूड़ा बन जाए, लेकिन इनके बैक जूड़ा में इनकी फ्लावर लगेंगे। फ्लावर भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पे फ्लावर को एडजस्ट करना है। फ्लावर आपके किसी भी टाइप का हो आप कोई भी फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बेबी ब्रेथ, रोजेस वगैरह डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कोशिश करना है कि आपके ब्राइड के हेयर्स थोड़ा सा हाइट रहे, क्योंकि अगर हेयर से ऊपर हेयर्स रखेंगे तो वो लुक नहीं आता और हमें थोड़ा सा वॉल्यूमाइज यहाँ पे देनी होती है ब्राइड पे ऑटोमेटिक, यानी कि ये खुद सप्रेस हो जाती है, थोड़ी दब जाती है क्योंकि आप दुपट्टा सेटिंग जब होते हैं, और यहाँ पे पिनअप कर देनी है। पिनअप आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और सही तरीके से स्टक हो जाए, ये नहीं है कि लूज़ हो जाए। आपने स्मॉल हेयर पिन यहाँ पे यूज़ करनी है क्योंकि स्मॉल हेयर पिन की ग्रिप जो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज हेयर पिन के। देन यहाँ राइट हैंड साइड का काम हो गया, अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वर्क, क्योंकि यहाँ पे बैक कॉम्बिंग थोड़ी सी हार्ड करनी होती है। यहाँ पे झूमर जो है वो ऐड होगा और यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करने के बाद थोड़ा सा फाइन कर लें, फाइन करने के बाद आपने स्प्रे करना है क्योंकि थोड़ा सा हमें हार्ड यहाँ पे रखनी है। और नॉर्मल यहाँ पे वैसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं आप, फ्रेंच भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप जिस तरह भी किया जा रहा है बैक कॉम्ब करने के बाद, पिनअप करने के बाद आप लेयरिंग भी डाल सकते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत यहाँ पे लुक आता है। अगर आपकी ब्राइड दोनों साइड दुपट्टा पीछे रखना चाह रही हैं तो ये फ्रंट पे नज़र आता है, अगर नहीं रखना चाह रही हैं तो ये हाइट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल फोटोज़ वगैरह में कुछ कुछ जगह नज़र आती है तो खूबसूरत लुक आता है। ओके जी, यहाँ पे साइड बैक कॉम्बिंग में बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपने वर्क करना है और जब तक नीट नहीं है तब तक आपने कॉम करनी है, और कॉम बहुत लाइट हैंड से अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं हो पूरे बैक कॉम जो है वो ओपन हो जाए और यहाँ पे हार्शनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें झूमर भी ऐड करना होगा यहाँ पे, झूमर के लिए थोड़ा सा हार्शनेस हमें देनी होगी। इस तरीके से राउंड पिन करने के बाद आप स्मॉल राउंड करने के बाद स्मॉल पिन यहाँ पे एडजस्ट कर दें। ठीक है, लार्ज पिन वही कह रहे हो, लार्ज हेयर पिन यूज़ नहीं करें, ग्रिप इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, आप स्मॉल हेयर पिन यूज़ करें। और यहाँ पे लाइनिंग जो है आपने बहुत नॉर्मल तरीके से देना है, जिस तरह देना है इस वीडियो नहीं बन पाई है, सो सॉरी, लेकिन जिस तरह आपने फ्रंट पे लाइनिंग दी उसी तरह आपने साइड पे भी लाइनिंग देनी है। और यहाँ पे जुड़ा सॉरी झूमर भी ऐड हो गई है। अब बैक के जितने भी हेयर्स हैं उसे हम फोल्ड करके उसे पिनअप कर देंगे क्योंकि बैक पे इनके फ्लावर्स लगेंगे, और फ्रंट के जो हेयर हैं कर्ल करने के लिए से छोड़ देंगे, वो एंड में हम ब्राइड के कर्ल्स करते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम तक स्टे रखना होता है, और जब हमारे पास ब्राइड यहाँ से हॉल जा रही होती है इनकी शूटिंग वगैरह होती है, एंड टाइम में इनकी कर्ल्स हम करते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दिया जाता है जब तक ब्राइड हमारी पार्लर में रहती हैं। अब बात आती है प्राइस की, आप लोग कुछ ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके ब्राइडल मेकअप के चार्जेस क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैं मेंशन कर देती हूँ। और ये सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप है जो ग्लैमर लुक ब्राइड चाह रही होती हैं, और ये 8,000 ब्राइडल मेकअप है। ओके, जिसमें आपके ये सारे लुक आ गए जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, दुपट्टा सेटिंग, ज्वेलरी सेटिंग एक्सेट्रा। एक्सटेंशन वर्क इंक्लूड नहीं है, एक्सटेंशन वर्क के अलग चार्जेस हैं, और यहाँ पे आपने
फ्लावर को इस तरह एडजस्ट करने के बाद आपने लास्ट जुड़ा पिन लेके इसे इसकी ग्रिप बना लेनी है, इसे होल्ड करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने होल्ड करनी है, ये नहीं देखना है कि आपके जुड़ा पिन ज़ाया हो रहे हैं या निकल रहे हैं, क्योंकि जब ब्राइड के हॉल पे बैक से जब ये निकलेगा तो वो बहुत ही चीप बुरा लगेगा। तो आपने बहुत तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे होल्ड करनी है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनानी है। हेयर पिन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हेयर पिन से बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ा पिन है। जुड़ा पिन के आप थ्रो करें और आप देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है। और जब इनके बैक पे दुपट्टा इनके नेट का था तो नेट से ये बहुत ही खूबसूरत लुक आता है बैक से। और जब आपकी ब्राइड की जो नेट का दुपट्टा हो तो मैं यही प्रेफर करती हूँ आप बैक पे फ्लावर वगैरह ऐड करवाएं। और यहाँ पे दुपट्टा सेटिंग, ठीक है, फ्रंट साइड पे आप वन साइड पे जो है दुपट्टा फ्रंट पे रख सकते हैं, बाकी वन साइड पे बैक पे रखें। ये हमारी सेकंड ब्राइड थी, आज मौका मिल गया था वीडियो बनाने के लिए, वरना मुझे मौका नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। और इन्होंने एक्सटेंशन वर्क इंक्लूड करवाया था। और ये हमारी थर्ड ब्राइड हैं, इनके भी हेयर स्टाइलिंग आप देखें बहुत ही खूबसूरत। और इनके साइड जुड़ा यहाँ पे ऐड किया गया, साइड कि जुड़ा क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है उनको किस टाइप की हेयर स्टाइलिंग चाहिए, और फ्लैट चाहिए, साइड सेक्शन चाहिए, सेंटर चाहिए, सबकी अपनी डिमांडिंग है, सबकी अपनी चॉइस है। जिस तरह ब्राइड को पसंद होता है उसी तरीके से हम वर्क करते हैं। और सेकंड ये है कि वही बात की कर रही हूँ मैं, फेस और आपकी ज्वेलरी, फेस पे क्या सूट करेगा और आपकी ज्वेलरी क्या है। सो फाइनल लुक ये है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लग रही है ब्राइड। बाय द वे ये ब्राइड खुद और बहुत प्यारे थे, इनके फेस स्ट्रक्चर जो था बहुत ही प्यारा था। बाकी मेकअप तो आपको पता है कि मेकअप आपके इन्हेंस कर देता है आपके फेस को, आपके मेकअप का ही मतलब होता है क्या है, जो भी फेस है आपको थोड़ा सा इन्हेंस करके खूबसूरत बना देना। और अगर ब्राइट लेंस भी लगा लेती, मुझे ऐसा लगता है कि उनके फेस पे बहुत ही प्यारा लुक आता है। इन्होंने लेंस भी लगाई है, लेंस अगर आप लोग आई लेंस से वेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी अपनी बारात की ब्राइड को। वो रुखसती में थोड़ा सा रोती है, टियरिंग होती है, तो आप उससे पहले, रुखसती से पहले आप लेंस को निकाल लें। अदरवाइज अगर आप कैरी नहीं कर पाते तो फिर आप लेंस ना लगाएं। ब्राइड पे, बारात ब्राइड पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैमर लुक ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी स्मोकी लुक आप भी ले सकते हैं और मैट लुक भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर ब्राइड यहीं आती हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ा ग्लैमर लुक चाहिए, हमें बहुत अच्छा लुक चाहिए, जिस तरह आपका सिग्नेचर मेकअप है, काशी जैसा लुक चाहिए। सो ये फाइनल लुक है हमारा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सारी डिटेल जो हमारी प्राइस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लें। और मैं वॉइस ओवर कर करके थोड़ा थक गई हूँ। सो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और आप लोग किस टाइप की वीडियो चाहते हैं मज़ीद, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से शेयर करूँ। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।